तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरी आने वाली जो वीडियो है वो भी आपको मिल सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, प्ले लिस्ट करंट अफेयर की उस पर जाकर चेक करें, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी। स्टार्ट करते हैं, जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम, यानी 0.78 है। फर्स्ट दक्षिण कोरिया, सेकंड उत्तर कोरिया, चाइना या यूक्रेन। तो जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया। और यहाँ पे ये बताया जाता है सॉरी कि 2021 में इसकी जो जो दर थी वो 0.81 थी, ठीक है ना, जो कि अब जो घट के रह गई है वो 2022 में जो इसका निकला 0.78 रहा है। और यहाँ पे जो बताया जाता है कि जो जनसंख्या है, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वहाँ पे वो सेम रखने के लिए, मतलब कि इंक्रीज हो जाए उसके लिए कम से कम वहाँ पे 2.1 का प्रजनन दर आवश्यकता है। वहाँ पे इतनी रेट रहे तभी वहाँ पे ये नॉर्मल रहेगी। और 2020 में वहाँ पे ये बताया जाता है कि 2020 में कि वहाँ पे जो लोगों की डेथ हुई है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, ठीक है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, साउथ कोरिया की जो गवर्नमेंट है, वो प्रजनन दर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंक्रीज रहे उसके लिए वहाँ पे वो स्कीम चला रही है, क्योंकि ये वहाँ का एक बहुत मेन मुद्दा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है कि हाल ही खबरों में रही INS सिंधु केसरी क्या है, ये पानी का जहाज है, लड़ाकू हवाई विमान है, या पनडुब्बी है, या टैंक है, क्या है। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन पनडुब्बी। और ये जो पनडुब्बी है ये क्या ना कि जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे भी चलती है, और प्लस डीजल, ठीक है, डीजल दोनों से चलती है। और इसमें ये बताया जाता है कि 3000 टन की, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि किस देश ने कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर कैट यानी पॉलिसी लॉन्च की है, रसिया ने, अमेरिका ने, चाइना या भारत। तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन अमेरिका। और अमेरिका ने अभी, ये यहाँ पे बाइडेन है, ठीक है, और इससे पहले ट्रंप थे। तो ये जो कमर्शियल आर्म ट्रांसफर जो पॉलिसी है ये क्या कहती है कि जो मतलब जो भी कंपनियाँ मतलब आर्म बना रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था कि पहले सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जा रही थी वो आर्म्स डीलर को दी जा रही, जो प्रोडक्ट मतलब जो हथियार वगैरह बनाती थी, और लोगों को वहाँ पे इजी अवेलेबल ये हथियार वगैरह मिल जाते थे, जिसकी वजह से अमेरिका में काफ़ी मतलब ऐसी दुर्घटनाएं हुई, कभी स्कूल में फायरिंग कर दे रहे बच्चे या कहीं पर, बहुत ईजी बेसिस पे वहाँ पे हथियार मिल जाते थे। बट अभी जब ये ट्रंप सरकार की स्कीम थी, लेकिन अभी जब बाइडेन वहाँ पे आए, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने फिर इसको लॉन्च किया, अब वहाँ पे इस चीज़ पे सख्ती बरती जाएगी। और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कि जिससे आने वाले टाइम में वहाँ पे जो लाइसेंस वगैरह को उसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, जिससे कि ये हथियारें ईजी लेवल पर ना मिल सकें, और वहाँ की जो लोकल पब्लिक है, लोगों में हिंसात्मक घटनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई है, फर्स्ट चाइना, सेकंड नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश, ये सारे भारत के पड़ोसी देश है। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन श्रीलंका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, IAF इंडियन एयरफोर्स ने किस नाम से स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है, फर्स्ट मेगा लिंक, उपलिंक, बायोलिंक या सैंड लिंक। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन बायोलिंक। बायोलिंक नाम से किया है ये क्या है, एक तरह का जैमर है, क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स है IAF, इसने खुद अपना स्वदेशी बनाया हुआ। और इसकी ये खासियत, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं, और इसकी जो अभी घोषणा की गई है, मतलब इसके बारे में जो बताया गया है, अभी एरो इंडिया जो 2023 अभी चल रहा था अभी बेंगलोर में, तो वहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया हुआ है। और ये जो अपना जैमर, ये जो डाटा लिंक संचार, इसकी हेल्प से क्या रहेगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि ख़राब मौसम हो जाता है, तो
जैसे एक यहाँ पे अपना स्टेशन है, एक यहाँ पे स्टेशन है, मौसम ख़राब हो गया तो सिग्नल नहीं मिल रहा है या कांटेक्ट नहीं बन पा रहा, तो उसमें ये वाली जो लिंक होगी, ये स्वदेश ये लॉन्च किया है इन्होंने, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको क्या बोला जाता है कि जो जैमर प्रूफ है, जो बाइलिंक डाटा है, ये जो अपना IRNS, इसको बोला भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो रहता है, इंडियन एरिया नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो इसको ये प्लेटफॉर्म यूज करता है। यहाँ पे जैमर प्रूफ की तरह काम करता है। इसको यहाँ पे नाभिक भी बोला जाता है इस प्रोसेस। और जैसे कहीं कमजोर सिग्नल है या कुछ है, तो उसको मॉड्यूलेट करके, उसकी पावर उसको मॉड्यूलेट करके, एम्पलीफाई करके, उसको हाई पावर के साथ सेंड करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपका सिग्नल रिसीव हो जाता है और कम्युनिकेशन स्टेबलाइज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि युद्ध की स्थिति होती है, या कहीं मतलब कहीं पे युद्ध छिड़ा हुआ है, और वहाँ पे जैसे मान लो अपना ये इंडिया का है, और इधर ये पाकिस्तान है, ये इधर चाइना है, या कुछ, तो अपने जैसे एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहे हैं, इस जगह पे उड़ रहे हैं, तो उसके एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती थी। तो अब यहाँ पे क्या है ना, इजी वे में अपना पता चल जाएगा कि अपना जो एयरक्राफ्ट है, या जो कुछ हेलीकॉप्टर है, या फिर जो भी अपना लड़ाकू विमान, वो किस लोकेशन पर इस ये स्वदेशी जो इसको लॉन्च करने के बाद, ठीक है। इसके अलावा क्या रहेगा कि जैसे कई कई बार क्या होता है कि जैसे ये एयर स्टेशन, इधर से फ्लाइट उड़ रही है, इधर से फ्लाइट उड़ रही है, हम तो कभी कभी क्या रहता था कि वीक सिग्नल की वजह से या उसकी एक्यूरेसी की वजह से ये दोनों प्लेन क्रैश कर जाते थे। लेकिन अब इस जो स्वदेशी डेटा लिंक ये जो लॉन्च किया है, इसकी वजह से ये हेल्प रहेगी, उसको एक एक्यूरेसी मिल जाएगी, एक्यूरेट लोकेशन मिल जाएगी कहाँ पर, जिसकी वजह से जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, कि किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसी डॉक की गई, यानी वहां पे अभी गई है, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम या बांग्लादेश? तो जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, इंडोनेशिया। और अभी इंडोनेशिया और चाइना का काफ़ी, इंडोनेशिया का और चाइना का, इन दोनों का काफ़ी फाइट चल रहा है आपस में, और किसको लेके चल रहा है, साउथ चाइना सी को लेके, चाइना जो समुद्री है, दक्षिणी चीन सागर है, उसमें इन दोनों देश का एक दूसरे को अपना ये कहते हैं एक क्षेत्र, क्षेत्र को लेके, जो एरिया को लेके, कि ये मेरा है, ये मेरा, इस तरह से इन लोगों की फाइट चल रही है। और यहाँ पे कहना कि जो इंडोनेशिया के साथ अपने जो अपने यहाँ के जो भी जितने भी पंडुक भी हैं, या फिर अपने जो भी युद्ध जो जल युद्ध पोत होते हैं, वो ज़्यादातर जो भी जो एशियन कंट्री जो अपनी है, जो इंडोनेशिया है या और भी हैं जो भी एशियन देश है, तो वहाँ का ये वहाँ पे जाते हैं, उनका दौरा करते हैं। और अभी अपनी जो ये आईएनएस सिंधु केसरी, इसकी बड़ी डिमांड मांगी गई है वहाँ पर, और चाइना भी बड़ा इस समय गुस्से में नाराज है कि आप सब लोग क्यों दे रहे हो, किस तरह से, ठीक है। चाइना की टेंशन काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि ये इंडिया की ये पनडुब्बी, इस वजह से, क्योंकि हम लोग को दूसरे लोगों को बेचने की भी बात चल रही है, और काफ़ी लोगों की डिमांड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, कि कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप हाल ही में लॉन्च करने जा रहा है? फर्स्ट दिल्ली मेट्रो, सेकंड लखनऊ मेट्रो, कोलकाता मेट्रो या बेंगलुरु मेट्रो? इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, दिल्ली मेट्रो। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड केरल, थर्ड उड़ीसा या फोर्थ मणिपुर? इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, तमिलनाडु। और ये क्या जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ये पहला हाइब्रिड रॉकेट है, और ये तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिला है, ठीक है, वहाँ का पट्टी कुलम गांव है। ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी है, तो राइटिंग कैसा है, पट्टी पुलम गांव से लॉन्च किया है। याद रखना है, तमिलनाडु का चेंगलपट्टू
चेंगलपट्टू जिला है, चेंगलपट्टू जिले में आपका पट्टीपुलम गांव है, वहां से लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये जो फाउंडेशन है जो ये लॉन्च करवाया है वो है मार्टिन फाउंडेशन। अगर आपसे नाम पूछा जा सकता है तो मार्टिन फाउंडेशन। और ये इसके जो आ रहे इसमें ये मार्टिन फाउंडेशन है, इसके जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे जिसको बोला जाता है, और इसके साथ ही जो स्पेस जोन इंडिया है, स्पेस जोन इंडिया, इन दोनों के प्लस जॉइंट टुगेदर के साथ ये लॉन्च किया गया है। तो व्हीकल लॉन्च व्हीकल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, आरटीआईसी जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है? 80%, 60%, 70% या 50%? इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस देश ने पहली बार किस देश ने छठी बार यानी सिक्स वा टाइम पहला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड भारत, थर्ड पाकिस्तान या फोर्थ साउथ अफ्रीका? इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया है? साउथ अफ्रीका। अगर आपसे पूछा सकता है एक नंबर में तो साउथ अफ्रीका को हराया, कितने रन से उन्होंने हराया है? 19 रन से, ठीक है। और ये कितनी टाइम कौन सी बार जीता है? सिक्स्थ टाइम, ठीक है। अगर आपसे पूछा सकता है सिक्स्थ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, आयुष मंत्रालय ने पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है? फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड गोवा, थर्ड असम या फोर्थ केरल? इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन असम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया? फर्स्ट केन्या, सेकंड अमेरिका, थर्ड भारत या फोर्थ रशिया? इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन केन्या। केन्या ने ये लॉन्च किया और इनका कहना है कि यहाँ पे जो भी कंपनियाँ हैं जो कि कार्बन कार्बन ज़्यादातर उत्सर्जन करती है, उत्सर्जन करती, तो जो भी कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं उसकी वजह से जो कार्बन रेट है वो बढ़ रही है, तो उनके ऊपर एक कंजक्शन चार्ज लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? कंजक्शन चार्ज, इस जो अपना ये पॉलिसी इसके। और इनका कहना इसकी वजह से क्या रहेगा, कंजक्शन चार्ज लगेगा तो जो कंपनियाँ हैं वो जो कार्बन उत्सर्जन रेट है उसको कम करने की कोशिश करेंगी, इससे उन पर टैक्स कम लगे, उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो भी थोड़ा सा क्लियर रहे अपना, ठीक है। और वहाँ पे जितनी भी, और इनके साथ साथ क्या है कि जब ये रहेंगे आने वाले टाइम में ये वहाँ की जो ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रैफिक पे भी ये टैक्स लगाने की योजना बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस राज्य को फाउंडेशन लिटरेसिटी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष यानी प्रथम स्थान प्रथम प्रदर्शन करने वाला स्थान मिला है, या प्रथम स्थान मिला है, ठीक है, या फर्स्ट प्राइज मिला है? तो ये फर्स्ट गोवा, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड पश्चिम बंगाल या फोर्थ केरल? तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन पश्चिम बंगाल। और ये किसने दिया है? जो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने जो फाउंडेशन होता है, ठीक है ना, उसने ये फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 बनाया है। और ये सेकंड यानी कौन सा संस्करण, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण जारी किया है, तो ये सेकंड नंबर का है, एक बार पहले और हो गया, अब ये दूसरे नंबर का। अब इसमें होता क्या है, एक्चुअली ये जो इंडेक्स है इसमें किस तरह वर्क करता है, तो जो 10 साल तक के बच्चे होते हैं, अगर पूछा जाए 10 साल तक के उम्र के जो बच्चे होते हैं तो उसमें जो साक्षरता दर क्या है, आपसे पूछा है साक्षरता दर उसकी क्या है 10 साल तक के बच्चों की। उसके साथ साथ इसमें कुछ पॉइंट लिए आते हैं, जैसे शैक्षिक बुनियादी ढांचा एक, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। दूसरा आपकी शिक्षा जो बच्चे हैं उनके पास तक एजुकेशन पहुंच रही है या नहीं पहुंची जा रही है। तीसरा पॉइंट रहता है कि जो उनका बच्चों का हेल्थ है वो कैसी है, ठीक है, ऐसे 4-5 पॉइंट इनके किए जाते हैं। उसके बेसिस पे
जो इंस्टीट्यूट फॉर कंटीन्यूअस होते हैं वो इसको इंडेक्स को बनाते हैं, उसके बेस पे ये राज्य जितने भी स्टेट हैं अपने इंडिया की उनको वो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो इसमें जो इस बार रहा है पश्चिम बंगाल आपका फर्स्ट नंबर पर रहा है, और सबसे लास्ट की बात की जाए कि फर्स्ट नंबर पर पश्चिम बंगाल रहा है ऊपर से, लेकिन नीचे से फर्स्ट कौन रहा है, तो नीचे से फर्स्ट जो रहा है उत्तर प्रदेश रहा है, ये नीचे से फर्स्ट रहा है और ये पश्चिम बंगाल ऊपर से, यानी नंबर वन पे ये और नंबर लास्ट सबसे लास्ट में यूपी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि फेंटानिल और पशु ट्रैंकलाइजर का मिश्रण जिसे जाइलाजीन कहा जाता है, जिसे टांग डोप के रूप में भी जाना जाता है, किस देश में चिंता पैदा कर रहा है? फर्स्ट चाइना, सेकंड अमेरिका, थर्ड ब्रिटेन या फोर्थ फ्रांस? इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन अमेरिका। और ये है क्या, ये एक पशु ट्रैंकलाइजर है, इसकी वजह से क्या है कि जो लोगों की स्किन होती है स्किन पे ये बुरा इम्पैक्ट डालता है, और इस पदार्थ को लोग जो ये एलिमेंट है जो केमिकल जो बना हुआ है इसको वहाँ पे एज ए ड्रग्स यूज किया जा रहा है, ठीक है। और वहाँ बताया जाता है कि जो हेरोइन जैसे जो ड्रग्स होते हैं उस तरह से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको ड्रग्स की तरह यूज किया जा रहा है, और वहाँ पे जो लोग इसको यूज कर रहे हैं वहाँ पे इसको एक तरह का संक्रमण जो स्किन का रहता है उस तरह की वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, लोग ज़्यादातर ड्रग्स होते हैं तो ओवरडोज ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है, मणिपुर, केरल, नागालैंड या तमिलनाडु? इसका जो राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में कहाँ 19वें वार्षिक सीपीए का उद्घाटन किया है? या एक नंबर का इस तरह भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है करंट में अभी प्रेजेंट हो, तो ओम बिरला जी है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पे आते हैं कि लोग कि इन्होंने जो 19वें वार्षिक सीपीए का जो उद्घाटन किया है वो कहाँ पर किया हुआ है, सिक्किम में, केरल, तमिलनाडु या गोवा? इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड अर्थ फार्मोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है? फर्स्ट नई दिल्ली, सेकेंड इम्फाल, थर्ड लखनऊ या फोर्थ गोवा? तो जो राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन है इम्फाल। इम्फाल क्या है, ये मणिपुर की राजधानी है। एक नंबर का आपको क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि कैपिटल ऑफ मणिपुर, तो ये इम्फाल है, ठीक है। और यहाँ पे अभी जो अपने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने अभी यहाँ पे उद्घाटन किया है, इसका उद्घाटन किया है अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव यानी इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड इतो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया जाता है कि जब से इंडिया फ्री हुआ है, इंडिया के फ्री होने के फ्रीडम 1947 के जब से फ्री हुआ है, तो ये पहली बार है कि ऐसा आयोजन यहाँ पे इस जगह हो रहा है उत्तर पूर्व क्षेत्र में, कहाँ हो रहा है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में आयोजन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बताया जाता है कि 35 कंट्री पार्टिसिपेट ले रही कर रही हैं, और जिसमें 35 कंट्री के कम 700 जो लोग हैं 700 लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है, किस देश का HMI समूह यानी जो इन्वेस्टर होते हैं वो उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, यानी कौन से देश के इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ का इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? तो फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड फ्रांस, थर्ड जापान या फोर्थ साउथ कोरिया? तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि नासा की किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? फर्स्ट निकुस बिडे, सेकंड मोरी ब्रुच, निकोला फॉक्स या मेरी गोल्ड? तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन,
निकोला फॉक्स। और ये बताया जाता है कि ये कम से कम 100 से अधिक जो नासा के जो मिशन रहते हैं ठीक है उन सब पे ये वर्क करेंगी। और इनका जो जो ऑफिस है अभी हेड ऑफिस जो है नासा का वो वॉशिंगटन में ठीक है। आपसे अगर पूछा सकता है कहाँ पर है तो अभी वॉशिंगटन में वहाँ पे इनको पहली बार नियुक्त किया गया है किसी लेडीज को ठीक है। फर्स्ट टाइम पूछा कौन सी फर्स्ट टाइम लेडीज को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि सरकार ने यानी जो भारत सरकार है उसने किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली यानी जो बिजली बनाने की परियोजना है उसको मंजूरी दी है। ये सारे इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं नेवर उनके नाम है। फर्स्ट बांग्लादेश, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड चाइना या फोर्थ नेपाल। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन चाइना। चाइना और भारत की जहाँ जो सीमा मिल रही है वहाँ पे एक ये हाइड्रो पावर प्लांट लगाने जा तो पावर ठीक है। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट वही बताई जाती है 3.9 अरब जो कि मैंने क्वेश्चन मेंशन ही कर दिया है। और ये जो पंडु ये यहाँ पे जो हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा इसकी जो क्षमता बताई जा रही है वो 2888 मेगावाट इतनी बिजली प्रोड्यूस करेगा ये। और इसके लिए अभी बात चल रही है सारी कुछ चीज़ें इन्वेस्टमेंट की जो फाइनल जो डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं उनका ये प्रोसेस चल रहा है। सरकार की तरफ से तो हो गया बस थोड़ा सर्वे वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो ये जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है यानी ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट। आपको भी पता होगा कि अभी G20 जो की अध्यक्षता यानी जो अध्यक्ष हैं वो इंडिया कर रहा है ठीक है। उसके रिगार्डिंग इंडिया में काफ़ी सारी मीटिंग चल रही है। तो अभी ये इसमें ये पूछा कि कौन सा राज्य है जो तो वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है यहाँ पे हो रहा है। तो फर्स्ट गोवा, सेकंड केरल, थर्ड मध्य प्रदेश या फोर्थ तमिलनाडु। राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन केरल। और केरल में यहाँ पे कहने कि जो वुमेन पावर है ठीक है वुमेन पावर यानी लेडीजों को और ज़्यादा शक्ति ने उनको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए पर्यटन क्षेत्र में केरल जो राज्य सरकार है उसने संयुक्त राष्ट्र महिला जो यूनाइटेड स्टेट जो एक संगठन है उसके साथ इन्होंने 1:1 अपना समझौता किया। और ये केरल में किस जगह हो रहा है कुमारकोरम। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे कुमारकोम करके जगह है केरल में तो वहाँ पे हो रहा है। और वहाँ पे इन दोनों का ये एक जॉइंट समझौता हुआ है मैं ये जो लेडीज मूवमेंट पावर को ज़्यादा से ज़्यादा वो एक प्रमोट करेंगे आगे की तरफ उनको बढ़ाया जाएगा एक दिशा में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है 45, सेकंड 42, थर्ड 43 या फोर्थ 46। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन 42। और यहाँ पे और ये बताया जाता है कि अभी ये है 2023 में इससे पहले जो था वो 40वें स्थान पर। ये 2023 में जो आया है वो 2022 का रिजल्ट आया है तरफ से ये नहीं है कि 2023 का ये रियल ये जो 42 है वो 2022 का जो एनालिसिस किया है उसके बेस पे ये है। और जो इससे पहले 2021 में जो था वो 40वें स्थान ठीक है। और इसमें जो टोटल बताया जाता है 55 जो मेन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो इकोनॉमिक्स हैं इकोनॉमी है उनमें से सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आईएसए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईएसए इंडियन सोलर एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसको आईएसए को बोलते हैं। और ये जो समझौता है वो जो यहाँ पे जो लागू होने की बात चल रही है यहाँ पे इनमें से कौन सा पहले स्टेट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट बांग्लादेश, सेकंड चाइना, थर्ड नेपाल या अफगानिस्तान। इनमें से कौन सा कंट्री है जो भारत के चारों पड़ोसी हैं जिन्होंने इंडियन सोलर एसोसिएशन है उसके साथ मतलब
एनर्जी जो पावर प्लांट है उसको इंक्रीमेंट करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर किए, समझौता किए। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन बांग्लादेश है। और इसको जो समझौता है इसको बताया जाता है कि दिसंबर 2026 तक इसको लागू करने की बातें हो रही। और इसके इन्होंने जो टारगेट रखा है अपना कि 2041 तक, जो आने वाला 2041 होगा वहाँ तब तक ये अपनी जो भी रिसोर्स वगैरह है उसकी सपोर्ट से उन्होंने 40% इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने का एक लक्ष्य रखा है, एक जो एनर्जी है उसको गेन करने। और 2030 तक का इन्होंने जो अपना लक्ष्य रखा है वो रखा है कि 4000 मेगावाट के सौर ऊर्जा को ये क्रिएट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि IMF के अनुसार किस एशिया देश में, एशिया देश है जो अपना अपना एशियन द्वीप, एशिया द्वीप है, IMF के अनुसार किस एशिया देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% यानी 15% योगदान देने की क्षमता है। एक डोनेशन बोल सकते हो या फिर एक उधार दे सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये IMF जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक एजेंसी है जो कि पूरी दुनिया में जो भी कंट्री होती है जिसको भी ऋण चाहिए होता है तो अपनी शर्तों के अनुसार ये उसको लोन देती है, कर्ज देती है, कर्ज देती है। फर्स्ट भारत, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो इसमें जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन भारत। इसकी रिपोर्ट आई कि भारत की इकोनॉमी काफ़ी आगे जा रही है। इसी तरह जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती हैं जिन जो विकासशील देश हैं या जो प्रोडक्ट मतलब थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, अपनी इफिशेंसी बढ़ा रहे हैं, उन लोगों के लिए वो एनालिसिस करती रहती है। और अभी जो इसकी GDP की ग्रोथ जो IMF के अकॉर्डिंग मानी जाए तो 6.1% बोल रहे, 6.1% GDP ग्रोथ रही जो 2023 और 24 की, 2022 और वो तो निकल गए। अब जो 2023 2024 जो फाइनेंशियल ईयर जो चलेगा उसके लिए 6.1 इनकी GDP बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि, जो कि अभी हुआ है, तो फ्रांस, सेकेंड इटली, थर्ड ऑस्ट्रेलिया या फोर्थ जापान? तो इसका जो राइट आंसर है चार ऑप्शन में, इसका सेकेंड ऑप्शन इटली, ठीक है, प्रधानमंत्री। अभी इटली इसलिए सुर्खियों में रहा था कि राहुल गांधी जी इटली गए थे और वहाँ से इटली गए थे यानी किसी कंट्री में गए थे आई थी, और वहाँ पे आके इंडिया की काफ़ी बुराई करके आए हैं वो, है ना, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने की। मैं तो यही करूँगा मेरा बेस्ट में जो कुछ भी। अरे चलो क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं करते। तो ये जो क्वेश्चन जो आपका रहा है कि जो रायसीना डायलॉग, तो इसकी जो मीटिंग चली है वो 3 दिन चली है। कितने दिन अगर आपसे पूछा जा सकता है कितने दिन चली है? 3 दिन। कब से कब तक? 2 से 4 मार्च, 2 से 4 मार्च तक। और यहाँ पे जो बताया जाता है कि 100 देशों के, जो 100 देशों के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यानी किस कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे आए। और ये किस जगह पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। अगर आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है कि किस जगह पे ये मतलब ऑर्गेनाइज हुआ है फंक्शन, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। अगर आप ये, अब मेन चीज़ ये आती है कि रायसीना डायलॉग एक्चुअली है क्या। इसमें क्या होता है कि जो वो मतलब जो भी ऑल वर्ल्ड लेवल के जो भी पूरी दुनिया के राजनीतिक होते हैं, ठीक है ना, मतलब पॉलिटिक्स पे बात होती है, जो आर्थिक मुद्दे उस पे बात होती है, जो भी अपने फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो भी उनके मामले होते हैं उन पे डिस्कशन करते हैं, जो भी मतलब कुछ भी मतलब एक दूसरे के साथ कैसे एक इजी वे में कम्युनिकेशन बना सके, ठीक है, जो जो प्रॉब्लम चल रही है उन पे वो 1-to-1 या फिर 2-4 कंट्री एक दूसरे के साथ मिलके या अपना एक ग्रुप बना के वो उस चीज को, जो प्रॉब्लम है उसको कैसे रिजॉल्व कर सके, ठीक है, उस चीज में वो डिस्कशन करते हैं। तो उसमें ये सारे देशों के जो भी, जहाँ भी फंक्शन होता है वहाँ पे जो भी विदेश मंत्री होते हैं या रक्षा मंत्री होते हैं या वित्त मंत्री, वो सब लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उसके साथ साथ जो लोकल लोग भी होते हैं तो उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। जैसे आपके कुछ पॉलिटिक्स हो गए या फिर वहाँ पे जो बिजनेस इंडस्ट्रियल है वो हो गए, या फिर आपके जो पत्रकार जैसे जो काफ़ी बड़े
पत्रकार होते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी मीडिया हाउस में उनकी एक अलग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को भी डिस्कस करने के लिए बुलाया जाता है इसमें, उनके एक पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए। उसके अलावा जो अदर अदर कंट्री के जो हाई लेवल के अधिकारी होते हैं या फिर जो बिजनेसमैन जो मैंने बताया, वो सब लोग वहाँ पर शामिल होते हैं, और एक दूसरे के साथ वन टू वन या फिर गेट टुगेदर करके अपनी जो भी प्रॉब्लम जो एक्चुअली चल रही होती हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो उनको किस तरह से एक इजी वे में उनका सॉल्यूशन निकाला जाए, ठीक है, इस बारे में चर्चा की जाती है, उसको ये रायसीना डायलॉग बोलते हैं। और ये कौन सा संस्करण हो रहा है इसका भी अगर बात किया है तो आठवां, आपसे पूछा सकता है कि कौन सा संस्करण चल रहा है इसका, तो आठवां संस्करण याद रखना आठ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए, फर्स्ट तुर्की, सेकंड ईरान, थर्ड इराक या फोर्थ बांग्लादेश। राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन ईरान, और ईरान और अमेरिका की हमेशा तनी बनी रहती है, ठीक है, ईरान की और अमेरिका की हमेशा एक दूसरे से यों करके फाइट रहती है। अमेरिका अपने आप को पावरफुल दिखाता है, इसलिए वो किसी भी जब मन होता है जिस देश पे जो भी चाहता है वो आरोप लगा देता है, ठीक है, और जहाँ मन होता है वहाँ पे घुस जाता है, कई कंट्रीज ने तबाह भी कर दिए और सब लोगों को मनमानी से करता है। अब ये ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, ईरान के जो मिलिट्री हेड थे उनको भी इसने मरवा दिया था, अब ईरान के जो भी फंक्शन चल रहे हैं उन सब पे अपना दबाव बना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस देश ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, फर्स्ट भारत, सेकंड जर्मनी, थर्ड जापान और फोर्थ नॉर्थ कोरिया। इसका राइट आंसर है भारत। भारत अब जो स्पेस प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें काफ़ी अपना प्रोडक्टिव अपना मतलब परफॉर्मेंस दिखा रहा है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू करता है, कौन सा मंत्रालय है जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू करता है, फर्स्ट गृह मंत्रालय, सेकंड वित्त मंत्रालय, थर्ड रक्षा मंत्रालय या फोर्थ रसायन और उर्वरक मंत्रालय। उसमें से चार राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इसकी जो शुरुआत की गई थी कि जो मेडिकल माफिया जो भी रहते हैं तो वो काफ़ी जो महंगी दवाइयाँ वगैरह चलती थी जिससे जो आम पब्लिक थी, ठीक है ना, जो गरीब लोग थे उनको वो अपना इलाज नहीं करा पाते, उनको दवाइयाँ ले नहीं पाते थे, क्योंकि वो उनके पास पैसे की कमी है, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें होती थी। तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2008 में एक स्कीम लॉन्च की, और जिसमें क्या की कि ये कम रेट पर यानी कि लो प्राइस पे और जो अच्छी गुणवत्ता की जो भी दवाइयाँ होंगी जेनरिक दवाई उनको उपलब्ध कराया जाएगा, और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो प्रधानमंत्री भारती करके जो होता है जन औषधि केंद्र आपने देखे होंगे, तो उसकी इन्होंने लॉन्च की, और यहाँ पे इसको जो सपोर्ट करता है इस चीज़ को जो मॉनिटर करता है वो करता है PMBI। PMBI क्या है कि फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया। आपसे पूछा सकता है कि इनको कौन करता है, कार्यान्वित कौन करता है, इन पर वर्क कौन करता है कि सही चल रही है या नहीं, तो फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग इसके साथ साथ जो रसायन और जो उर्वरक मंत्रालय है, ठीक है, यहाँ पे भी ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया है, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया, ये मंत्रालय और इस तरह के दोनों जो संगठन है PMBI और BPI, ये दोनों के जॉइंट टुगेदर इन दोनों चीज़ों निगरानी रखते हैं उस चीज़ को कि सारा कुछ ओके चल रहा है या नहीं चल रहा। और इसके तहत अभी जो बताया जाता है जो अपने जो सेंटर हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा बताया जाता है कि अभी 9082 जन औषधि केंद्र संचालन अभी करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिनुमैत्री अभ्यास में भाग लिया है, फर्स्ट ब्रिटेन, सेकंड जापान, थर्ड ऑस्ट्रेलिया या फोर्थ
रसिया। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन जापान। यह वायु अभ्यास भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास दल गार्जियन के साथ साथ आयोजित किया गया है, ठीक है। और जो गार्जियन वायु अभ्यास है ये 13 फरवरी, ठीक है, 2023 से स्टार्ट हुआ था और 2 मार्च 2023 को फिनिश हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि दुनिया का दूसरा मजबूत टेलीकॉम ब्रॉड हाल ही में कौन सा बना है। फर्स्ट रिलायंस जियो, सेकंड वोडाफोन, थर्ड BSNL या फोर्थ एतिसलात। तो उसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन रिलायंस जियो, ठीक है। और यहाँ पे ये सेकंड नंबर का, फर्स्ट नंबर का जो बोला जाता है स्विसकॉम, और ये स्विसकॉम कहाँ का है, स्विट्जरलैंड। तीसरी सबसे जो बला बताई जाती है वो है आपकी एतिसलात, ये वाली जो थर्ड नंबर पे, तो ये कहाँ की है, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, 27 फरवरी को, 26 फरवरी को या 25 फरवरी। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 28 फरवरी। अब ये मनाया क्यों जाता है उसके बारे में भी है कि जो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, ठीक है, उन्होंने एक रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन एक तरह का एक लॉ था, इसकी खोज की थी। उसके बाद हर साल 28 फरवरी को ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वो पहली बार जो मनाया गया था वो 1987 में मनाया, अगर आप चुकी कब मनाया तो 1987। और इसमें क्या है कि जो वैज्ञानिक जो अपने साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने इंडिया की प्रोग्रेस में जो योगदान दिया, ठीक है, उसका एक जश्न मनाया जाता है, तो उनको एक इस तरह से एक सम्मान दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि डेली लाइफ में जो साइंस के बारे में लोगों को अवेयरनेस देना, इस सारी चीज़ों के बारे में बात की। और जो रमन जी जो अपने चंद्रशेखर वेंकट रमन जी थे, और इसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला, बहुत की है, ठीक है, क्योंकि ये रमन जो प्रभाव है बहुत ही काई है। और इसमें जो रमन प्रभाव अगर बात किया कि एक्चुअली रमन प्रभाव है क्या, इसके बारे में भी हम बताते हैं। तो ये रमन प्रभाव जो है कि जो भी अपने जो पार्टिकल्स होते हैं तो उनकी जो स्टेबिलिटी कह सकते हो कि जो लचीलापन या कठोरता, इस चीज के बारे में ये सारा कुछ बता। कि जैसे कि कोई लाइट है, जैसे मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल, तो इसमें से अगर कोई लाइट है, अगर लाइट इसमें से एंटर कर रही है, अब ये जो पार्टिकल है वो लिक्विड के या फिर सॉलिड के, ठीक है, उसमें से जो भी लाइट निकलता है तो उसके साथ साथ ये बताया जाता है कि जो एक प्रकाश वो तो दी गई, उसके साथ साथ अदर तरंगें भी यहाँ पे शो होती है। इसमें बोला जाता है कि अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आपतित प्रकाश बोल सकते हैं, आपतित प्रकाश और अत्यल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस जिले में, किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खाने मिली है, किस राज्य, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या कर्नाटक। 4 ऑप्शन लिए मैंने, ए फर्स्ट केरल, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड उड़ीसा या फोर्थ कर्नाटक। इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन उड़ीसा। और यहाँ पे जो अपनी सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो GSIT में जो इंडिया का चेक करती है, जितनी भी यहाँ पे खुदाई वगैरह होती है सारी की, तो वहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीम वर्क करती है, वहाँ देखती है कि यहाँ पे हमको कुछ केमिकल या कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट कुछ मिला या नहीं। इसके अनुसार अभी उड़ीसा के 3 जिले हैं, ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सोने की खान बताई जाती है। और ये 3 जो जिले हैं वो है, पहला है देवगढ़, दूसरा है झर और चौथा है मजूरबंद। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, मजूरबंद, पहला देवगढ़, दूसरा है क्यूझर और तीसरा है मजूरबंद, ये 3 जिले
अभी एक नंबर का कोई एग्जाम अभी वैसा होगा तो एक नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि सातवां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? फर्स्ट भोपाल, सेकंड अयोध्या, थर्ड वाराणसी या फोर्थ न्यू दिल्ली? इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन भोपाल। और ये अभी 3 मार्च को हुआ है। कब हुआ है? 3 मार्च ने, अभी लास्ट फ्राइडे को। इसके द्वारा इसका जो उद्घाटन वगैरह किया गया था, जो अपनी जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और ये भोपाल कहाँ? मध्य प्रदेश के। और इसका जो आप ये जो सम्मेलन है वो किस संस्था ने कराया होगा? तो इसका जो नाम है इंडिया फाउंडेशन। जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है नेक्स्ट, एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है? फर्स्ट नई दिल्ली, सेकंड गांधीनगर, थर्ड श्रीनगर या फोर्थ लखनऊ? इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन श्रीनगर। और इसमें यह बोला जाता है कि 29 पार्टिसिपेंट इसमें भाग, कश्मीर से। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये ध्यान रखना। थैंक यू दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले भी मेरी वीडियो है वो अभी आपको मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों।